भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को टीवी प्रेजेंटर संजना गणेशन संग साथ फेरे लिए। बुमराह और संजना ने एक निजी कार्यक्रम में शादी की, जिसमें एक दूसरे के परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए। बुमराह ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दो तस्वीरों को शेयर करते हुए दी। बुमराह और संजना पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। हालांकि यह बात भी ध्यान देने वाली है कि दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। फिल्म निर्माता एसएस राजामौली ने अपनी आगामी फिल्म आरआरआर से सीता के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट के फर्स्ट लुक को शेयर किया है। इस लुक को आलिया के जन्मदिन के खास मौके पर रिलीज किया गया। राजामौली ने ट्वीट करते हुए लिखा, आलिया ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। पोस्टर में आलिया ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसके साथ उन्होंने लाल रंग का ब्लाउज कैरी किया है। एक्ट्रेस एक कमरे में बैठी हुई है और उनके आसपास दीपक जल रहे हैं। बहुप्रशिक्षित आरआरआर में बॉलीवुड सितारों आलिया भट्ट और अजय देवगन के साथ तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर शामिल हैं। आरआरआर एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म दो तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी पर आधारित है। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि फिल्म का निर्माण 450 करोड़ रुपए के बजट में किया जा रहा है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही हैं। दीपिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीर साझा की है, जहां वह सफेद ऑफ शोल्डर ड्रेस में कैमरे के लिए पोज देती हुई नजर आ रही हैं। दीपिका रणवीर जल्द ही क्रिकेटर कपिल देव की कप्तानी में 1993 विश्व कप में भारत की जीत के इर्द गिर्द घूमते हुए कबीर खान की आगामी फिल्म 83 में बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने बेंगलुरु की मॉडल से मेकअप आर्टिस्ट बनी महिला द्वारा जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर लगाए गए आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। उन्होंने जोमेटो से कहा है कि वह इस मामले का पूरा विवरण सामने रखें, ताकि सच का पता चल सके। परिणीति ने लिखा, जोमेटो इंडिया कृपया सच का पता लगाएं और उसे सार्वजनिक तौर पर पेश करें। यदि वह सज्जन निर्दोष हैं, तो उस महिला को दंडित करने में हमारी मदद करें। यह अमानवीय, शर्मनाक और दिल दहला देने वाला है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे मदद कर सकती हूं। बेंगलुरु की इस महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया था कि डिलीवरी बॉय ने उसे मुक्का मारा था। इसके बाद कंपनी ने डिलीवरी बॉय को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और उसके कानूनी खर्च को वहन कर रही है। साथ ही वह कंपनी महिला के इलाज का खर्च भी उठा रही है। परिणीति के आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वह संदीप और पिंकी फरार और साइना में नजर आएंगी। दिबाकर बनर्जी की इस फिल्म में अभिनेता अर्जुन कपूर ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं परिणीति एक महत्वाकांक्षी लड़की की भूमिका निभा रही हैं। वहीं साइना मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर आधारित बायोपिक है। अमोल गुप्ते द्वारा निर्देशित यह फिल्म 26 मार्च को रिलीज होगी। INS रिपोर्ट।